क्या हमारे जीवन में ईश्वर की ओर से कोई चिन्ह तो नहीं दिया गया? क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों और प्यारे बच्चों, आत्मदर्शन टीवी के माध्यम से प्रभु के वचनों पर मनन चिंतन करने के लिए, प्रभु के वचनों को समझने के लिए, अपने जीवन में उतारने के लिए आप सभी का स्वागत है। आज हमारे सामने प्रभु का वचन है, संत मती का सुसमाचार अध्याय 12 और पद संख्या 38 से लेकर 42 तक। आज के इस सुसमाचार में हम देखते हैं कुछ फरीसी और शास्त्री लोग प्रभु यीशु के पास आते हैं और उनसे कुछ चिन्ह मांगते हैं। और उसके बाद प्रभु यीशु पहले तो उन्हें कोसते हैं, पहले तो उन्हें विधर्मी और दुष्ट पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग बुलाते हैं और उसके बाद उन्हें बताते हैं इस विधर्मी और दुष्ट पीढ़ी को नबी योनस के सिवाय और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस तरह से नबी योनस 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहकर उन्होंने बिताया, उसी तरह से मानव पुत्र को भी 3 दिन पृथ्वी के गर्भ में रहना होगा। प्रभु यीशु सिर्फ एक चिन्ह नहीं देते, उन्हें दो चिन्ह देते हैं। एक नबी योनस का चिन्ह और दूसरा दक्षिण की महारानी का चिन्ह या शीबा की रानी, जो सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए, जो सुलेमान की बातें सुनने के लिए दूर दूर देश से आई थी और उसने उस ज्ञान को ग्रहण किया। और प्रभु यीशु कहते हैं कि यहाँ नबी योनस से बढ़कर कोई है, यहाँ सुलेमान से बढ़कर कोई है, लेकिन लोग उसमें विश्वास नहीं करते। आइए हम इस चिन्ह को समझने का प्रयास करें कि किसके लिए ये लोग चिन्ह मांग रहे हैं और प्रभु यीशु का संकेत किस ओर है। संत मार्कुस के सुसमाचार के पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं कि जब प्रभु यीशु ने बपतिस्मा ग्रहण किया और उसके बाद प्रभु यीशु की परीक्षा हुई, शैतान ने उनकी परीक्षा ली। और उसके बाद पहले अध्याय के 15वें पद में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने किस तरह से अपना कार्य प्रारंभ किया, किन शब्दों के साथ ईश्वर का कार्य उन्होंने प्रारंभ किया। और वो शब्द थे कि समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु का जो संदेश है वो ये है कि पश्चाताप करो और ईश्वर में विश्वास करो, ईश्वर के राज्य में विश्वास करो। अगर प्रभु यीशु का ये संदेश है कि पश्चाताप करो और इसके लिए ये लोग चिन्ह मांगते हैं कि आप जो कह रहे हो हमसे कि पश्चाताप करो, इसका कोई प्रूफ है, इसका कोई प्रमाण है कि अगर हम ये आपकी बात नहीं माने तो क्या होगा या क्यों आपकी बात माने? और उसके बाद प्रभु यीशु उन्हें चिन्ह देते हैं नबी योनस का, कि उन्होंने भी यही संदेश दिया था निनवे के लोगों को। पिता ईश्वर ने नबी योनस को भेजा था कि निनवे के लोगों को जाकर बोलो उनसे कि पश्चाताप करो, नहीं तो तुम्हारा विनाश होगा। और नबी योनस जाते हैं और लोगों को पश्चाताप का संदेश देते हैं और उसके बाद लोग पश्चाताप करते हैं और प्रभु की ओर अभिमुख होते हैं और वो बच जाते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु भी वही संदेश देते हैं और उन्हें ये बताना चाहते हैं कि अगर तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो तुम्हारा विनाश होगा। वहीं दूसरी ओर हमको अपने हृदय खुले रखने हैं। प्रभु यीशु प्रज्ञा के स्रोत हैं, प्रभु यीशु करुणा के स्रोत हैं और उनको ग्रहण करने के लिए, उनकी बातों को, उनकी शिक्षा को ग्रहण करने के लिए हमें अपने हृदय को खुला रखना है। और यही हमारे लिए सबसे बड़ा चिन्ह है कि पिता ईश्वर ने अपने खुद के पुत्र को हमारे बीच भेजा है। जय यीशु।